Himachal Pradesh is now finally beginning to pick up the pieces after the devastation caused by the heavy rain and landslides in the hill state. In fact, the Chief Minister has said that we will declare this calamity to be a state disaster, and the Chief Minister has also sought help from the centre. The Chief Minister says, I have asked the centre to declare it to be a national calamity. The Himachal death toll has crossed 70 and it has crossed 300 since the onset of the monsoon this year. On the ground, the rescue operations continue. Both the NDRF teams and the state rescue teams are on the spot, pulling out bodies after bodies. And in fact, houses are in danger. Many Shimla residents living in shelter homes and also in community centres. The big focus also now is how will the livelihood worries be allayed by the government, given the fact that for migrant labourers and daily wage workers, there's no work. And well, NDTV's Parimal Kumar brings us this Crown report looking at how these migrant workers are actually struggling to survive and put two meals together. फिलहाल हम शिवला के शिव मंदिर के पास हैं, जहां पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, लगातार जब 15 अगस्त का वाकया हुआ है, उसके बाद मंदिर का नामो निशान तो नहीं है, लेकिन उसी दिन से NDRF हो, SDRF हो, आर्मी हो या लोकल होमगार्ड के जवान हो, वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो यहाँ पर जिन लोगों के दबे होने की आशंका है उनको तलाशा जा सके। ये सर झुग्गी था, झुग्गी था, हाँ, गिर गया हूँ। आपका गिर गया जी? तो बेघर जी? जी सर, गिर गया। हम लोग बेघर हो गए तो यहाँ पर जो यहाँ के कमेटी मेंबर है, बोले यहाँ पर रहो, पूरी सुविधा मिलेगा। अब पता नहीं घर का इस कैसे जोड़ के फिर बनाएंगे, तो बनने लायक है नहीं जिस हालत में। आपका क्या हुआ, गिर गया या डेंजर में चला गया? डेंजर में है सर, डेंजर में, गिरा नहीं? नहीं, अभी गिरा नहीं है, डेंजर में है, दरारे है। अब वहाँ से यहाँ पर जो कमेटी के आदमी है, वहाँ हमको यहाँ पर बोले कि से चलो वहाँ पर हम बिस्तर देते हैं, वहीं पर खाना पीना सब वहीं पर मिलेगा, वहीं रहना है। हम सर घर से बेघर हो गए, मैं जो बिल्डिंग में रहता वो गिर गया, सारा सामान भी भाग गया, तो मैं यहाँ जा रहे थे ऊपर बस स्टैंड, तो बोले कि ये यहाँ आ जाओ सारे आदमी, मोहल्ला में हम बहुत दिन से रह रहे हैं इस मोहल्ले में। चिंता तो आई है सर कि रात को मकान गिर जाए तो सारे लोग दब के मर जाएंगे, तो चिंता नहीं है, आए प्रदेश में कमाने के लिए, फिर इतना तो ज़्यादा ही दुख है। हमारे आंखों के सामने ही वहाँ पर ना स्लेटर हाउस, पहले पेड़ गिरा, उसके बाद में स्लेटर हाउस गिरा, फिर उसके बाद में एक पेड़ गिरा, तो ये बहुत हमें भी डर है कि हम भी तो गिर, हमारा भी घर गिर सकता है, हमें भी डर है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। ऐसे में बताइए कि आपके आस पड़ोस के लोग भी क्या यहाँ से चले गए, काम धंधा नहीं मिला? और नहीं मिला, नहीं नहीं मिला, और चले गया। हाँ, काम करना दिवाल उज्जत से, रहने का दिक्कत से चला गया, चला गया। हाँ, मकान सब गिर रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत है। तो आदमी के जाने का सिलसिला अभी भी जारी है? अभी भी जारी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली हम लोग यहाँ ना 20 साल से रहते हैं, 20 साल। अभी जुलाई अगस्त में ना मौसम खराब के कारण ना हम लोग का घर भी गिर गया, कृष्णा नगर में जो धारा था वो भी गिर गया। सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हुआ है, 25 रुपए मिला हम लोग को, बाकी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई विश्वास नहीं। और लोग जो गए हैं गांव घर लौट गए, वो चले गए घर, कुछ 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 चले। कितना रहा होगा आपके आसपास में? आसपास में कम से कम 50 बंदे गए हैं अभी, 50 बंदे। और जा भी रहे हैं? जा भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, काम कुम नहीं हो रहा ना इसी वजह से, और चारों तरफ भूस्खलन आ रही है ना, उसकी वजह से, उसकी वजह से काम कुम नहीं हो रहा। रोजाना जब काम होता था तो 1000-1500 कमा लेते, लेकिन आज कोई डेट में तो ऐसा है कभी एक राउंड लगता है, कभी दो राउंड। तो एक राउंड दो राउंड में कितना रुपया? 100-200 बस। तब आप देखिए सब पे असर है, आप लोगों पे भी असर, बहुत असर है, बहुत दिक्कत हो रही है हमें, यानी कि जो 800 रुपये इनका खर्चा है घोड़े का वो नहीं पूरा हो पा रहा था, हमने क्या खाना है।